டெல்லி பல்கலைக்கழக நூற்றாண்டு விழாவில் பிரதமர் மோடி பேசினார். ஒரு காலத்தில் மோசமான பொருளாதார நாடாக இருந்தோம், இன்று உலகின் முதல் 5 சிறந்த பொருளாதார நாடாக இந்தியா உள்ளது. ஐஐடி, ஐஐஎம், என்ஐடி, எய்ம்ஸ் போன்றவை புதிய இந்தியாவை கட்டமைக்கும் நிறுவனங்களாக மாறி வருகின்றன. சென்ற நூற்றாண்டின் 3வது 10ஆண்டு காலம் என்பது சுதந்திர போராட்டத்துக்கு புதிய வேகம் தந்தது. இந்த நூற்றாண்டின் 3வது 10ஆண்டு காலம் நாட்டின் வளர்ச்சி பயணத்துக்கு புதிய வேகம் தந்து கொண்டிருக்கிறது. 2014க்கு முன்பு 100 ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் மட்டும் இருந்தன. இன்று அது 1 லட்சத்தை தாண்டிவிட்டது. சர்வதேச அங்கீகாரம் பெறும் இந்திய பல்கலைக்கழகங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. 2014க்கு முன்பு 12 இந்திய பல்கலைக்கழகங்கள் மட்டுமே உலக தரவரிசையில் இருந்தன. இப்போது அது 45ஆக உயர்ந்துள்ளது என்று பிரதமர் மோடி பேசினார். और निर्णयों का परिणाम है कि आज इंडियन यूनिवर्सिटीज की ग्लोबल पहचान बढ़ रही है. 2014 में QS वर्ल्ड रैंकिंग में केवल 12 इंडियन यूनिवर्सिटीज होती थी. 2014 में 12 यूनिवर्सिटीज, लेकिन आज ये संख्या 45 हो गई है. हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं. हमारे संस्थान क्वालिटी एजुकेशन, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो और रेपुटेशन सब में तेजी से सुधार कर रही है. और साथियों, आप जानते हैं इन सब के पीछे सबसे बड़ी गाइडिंग फोर्स कौन सी काम कर रही है? ये गाइडिंग फोर्स है भारत की युवा शक्ति. इस हॉल में बैठे हुए मेरे युवाओं की शक्ति. साथियों, एक समय था जब स्टूडेंट्स किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले सिर्फ प्लेसमेंट को ही प्राथमिकता देते थे, यानी एडमिशन का मतलब डिग्री और डिग्री का मतलब नौकरी. शिक्षा यहीं तक सीमित हो गई थी. लेकिन आज युवा जिंदगी को इसमें बांधना नहीं चाहता, वो कुछ नया करना चाहता है, अपनी लकीर खुद खींचना चाहता है. 2014 से पहले भारत में सिर्फ कुछ 100 स्टार्टअप्स थे. आज भारत में स्टार्टअप्स की संख्या 1 लाख को भी पार कर गई है. 2014-15 की तुलना में आज 40% से ज्यादा पेटेंट फाइल हो रहे हैं. जो पेटेंट जारी हो रहे हैं उनमें भी 5 गुना का इजाफा हुआ है. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें भारत 18वें पायदान पर था 80 से की बात, वहां से बढ़कर के आज हम 46 पर पहुंच चुके हैं. वो स्थान हमने प्राप्त किया.